बेटी का नाम मैंने सैयदा के नाम पर रखा, नालय ने फातिमा, सैयदा नालय ने फातिमा। क्योंकि आप लोग मेरे अपने घर के हैं, यहाँ उससे पहले भी आया था, तो याकूत पूरा तो मेरा रोज का आना जाना है, इसलिए घर वाले इसी अच्छे अंदाज में आपसे बात भी कर रहा हूँ। मैं अपनी बेटी का नाम अलहमदुल्ला सैयदा की निस्बत से मैंने अपनी बेटी का नाम रखा था। हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं, कहीं रखते हैं जैनब, कहीं रखते हैं फातिमा, कहीं फातिमा, कुछ 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 रखते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सादात घराने से भी पैदा किया, सादात भी हूं, तो निस्बत खास सैयदा की है, तब जो खास है तो अपनी बेटी का नाम मैंने सैयदा के नाम पर रखा, और नाम रखा नालय ने फातिमा, सैयदा नालय ने फातिमा। जैसे ही गए, रमजान का मौका था, बेटी होने के बाद मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ, डाल दिया नाम, तो इतराज भी आने लगी, बड़े बड़े उलमा के फोन भी आए, काबिर उलमा, बड़े बड़े खानवादे वाले मुबारकबाद दिए और कहा कि ऐसा नाम मैंने सोचा भी नहीं था आपने नाम रखा था। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि मुबारकबादी भी दी और कहा कि ये नाम तो हमारे पास भी जहन में नहीं आया, लेकिन जो हसद रखते हैं उन लोगों ने कहा कि ये कैसा नाम रख दिया, नालायन, नालायन किसको कहते हैं मालूम, मुझसे पूछने लगे, रिश्तेदार भूल के होते हैं या फिर कोई मिलने वाला होता है, नालायन का मतलब आपको मालूम, नालायन जूती को कहते हैं, फातिमा की जूती आप अपनी बेटी का नाम रख, ऐसा तर्ज के तौर पर कहने वाले मिलने वाले, बेटी का नाम जूती, फातिमा की जूती। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि पागल है दीवाने, तेरे सैयदा को जाना नहीं है, तो सारी जिंदगी भी अल्लाह अल्लाह अपनी विदान पर जपता रहे तो सैयदा के नालायन के कदमों को जो धूल एक मरतबा लगी थी वहां तक तू नहीं पहुंच सकता, सैयदा के नालायन की शान तो नहीं जानता, वो नालायन मुबारक जिसमें सैयदा के कदम रखे हुए हैं, शहजादे फरमा रहे ये माँ है हमारी, उन्हीं के कदमों में हमारी जन्नत है, वो सैयदा के नालायन की बरकत है, वही सैयदा के नालायन मुबारक है कि वही नालायन का सदका जिसको मिला विलायत के ताज उनके सर पे आ गए, वही नालायन का सदका जिसको मिला इनका समंदर उनके पास आ गया, वही है बड़े बड़े मुहद्दिस उन्हीं के नालायन के सदके से बने, बड़े बड़े अकाबिर बने। अगर किसी वली पर से सैयदा की तवज्जो हट जाए, इमाम आली मुकाम की तवज्जो हट जाए, तो उसकी विलायत बाकी हो जाती, विलायत छीन जाती है, विलायत होना है तो हजरत आली मुकाम पर अपनी जान को, अपने तन को, अपने मन को, अपने नफ्स को कुर्बान करना पड़ेगा। जब तक विलायत नहीं मिल सकती तो सैयदाए कायनात के मुबारक कदमों की निस्बत अल्लाह ने दुनिया वालों को बदला दी। हम अहले इश्क है, फतवा देने वालों को फतवे देते रहेंगे, इश्क करने वाला आशिक होता है और आशिक दीवाने को कहते हैं, उसके ऊपर दीवानगी आ जाती है,